अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और ये बाग फेमस है अपने क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए। 13 अप्रैल 1919 की बात है। यहाँ पर बैसाखी और रोलेट एक्ट के विरोध में, बैसाखी का जश्न मनाया जा रहा था, रोलेट एक्ट के विरोध के लिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों की लगभग संख्या होगी उस समय पर। रोलेट एक्ट जो कि ब्रिटिश सरकार को ये पावर देता था कि वो आतंकवाद का चार्ज लगा करके लोगों को बिना किसी ट्रायल का मौका दिए अरेस्ट करके उनको 2 साल तक जेल में डाल सकते थे, इस चीज़ का विरोध किया जाना था। और जनरल डायर को इस बात की खबर लगी कि जलियांवाला बाग में 2 से 3 हज़ार लोग इस एक्ट के विरोध के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उसने जलियांवाला बाग के दोनों गेटों पर फोर्स लगा दी और लोगों पर तकरीबन 1600 राउंड फायर करवाए, जिसके डर से 379 लोग ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से मारे गए, 120 लोग इस कुएं में कूद गए और लगभग 1200 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट से दावा करती हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, इसके कोई पुख्ता सबूत अभी तक प्राप्त नहीं है। इसमें नाम आता है श्री उधम सिंह जी का, जो कि जलियांवाला बाग कांड के समय पर 11 साल के थे। इतना खून खराबा देख करके उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने ये प्रतिशोध का प्रण ले लिया कि जनरल डायर को वो मौत के घाट उतार कर ही दम लेंगे। जब तक वो वयस्क हुए और अपना बदला लेने के काबिल हुए, तब तक जनरल डायर का ट्रांसफ़र वापस इंग्लैंड हो चुका था। तो इसके लिए उधम सिंह जी इंग्लैंड गए, वहाँ पर सत्ता में शामिल हुए और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जनरल डायर के सीने में 3 गोली मार करके अपना बदला पूरा लिया और भारतीयों की आत्मा को शांति पहुँचाई। उन 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत का दर्द तो उन 3 गोलियों से नहीं पूरा हो जाता, कुछ ठंडक जरूर मिली। जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करते हुए उनमें एक नई जान फूंक दी थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना युद्ध में बदल देने की आसपास के गांव तक पहुंच गई और 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुन आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था, इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए, और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसंहार से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था
बाकी ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश संघ विद्यार्थी के संग काम किया पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भुवनेश्वर दत्त के साथ डुएल के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम भी फेंक सकते थे पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़े। इंकलाब जिंदाबाद के नाम से लाहौर जेल घूम चुकी और पूरा देश खासतौर पर नौजवान उनके साथ बात खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सौरस की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1931 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की गर्दनों से निकला था और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ऑक्सटन हॉल में माइकल ओ'ब्रायन को गोली मारकर इस जलसंवाद का बदला ले लिया।
सिकंदर की भारत में आगे बढ़ने में फंसा हूँ और उसको उसके बाहरी उसे भी किस्मत जाना पंजाब ने दुनिया को तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दी ये खुशहाल इलाका आक्रमणकारियों की आंख में कांटे की तरह चुभता रहा विभिन्न उतार चढ़ाव देखने के बावजूद Well, the room, the region, right?